व्हाट्सअप कैसे हो। आई होप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल जेवाया डेट्स। आज हम बटरफ्लाई फ़ोटो एडिटिंग बनाना सीखेंगे, बटरफ्लाई फ़ोटो एडिटिंग। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए नहीं किया तो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जाएंगे हम ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद हम एक फ़ोटो ले लेंगे जो भी हमें पीछे लगानी है, बैकग्राउंड में लगानी है, हम वो फ़ोटो ले लेंगे। फिर इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। कम करने के बाद इरेजर टूल पे जाएंगे। इरेजर टूल पे जाने के बाद इसकी भी ओपेसिटी कम कर देंगे और हार्डनेस भी कम कर देंगे और हल्का हल्का इरेजर मारेंगे यहाँ पे ताकि ये इसी में बैकग्राउंड में मिल जाए, लाइनिंग भी नहीं दिखे। मारने के बाद राइट क्लिक करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद एक फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, एक बटरफ्लाई का PNG ऐड कर लेंगे। हम जितने भी PNG इस वीडियो में यूज़ करेंगे उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद फिर एक बैकग्राउंड हुई इमेज पहले से ही कर रखा मैंने इसका बैकग्राउंड। अब इसको सेट करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में ही जाएंगे। फिर हम ले लेंगे बटरफ्लाई PNGs। ये लेने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे जो हमारे फेस पे आ रही है, ये बैकग्राउंड फेस पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से एक ये इसको रिमूव कर देते हैं, एक इसको रिमूव कर देते हैं और एक इसको। फिर कर देंगे राइट क्लिक, फिर से एक बार और राइट क्लिक कर देंगे। फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर एक और बटरफ्लाई PNG लेंगे, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर राइट क्लिक कर देंगे, फिर से एक और बटरफ्लाई PNG लेंगे। बटरफ्लाई PNG लेंगे, इसको लेने के बाद इसको यहाँ पे सेट करने के बाद फिर जाएंगे हम इसी में FX में जाने के बाद फिर ब्लर में जाएंगे। फिर हल्का सा ब्लर करेंगे, थोड़ा हल्का सा फेड करके बस। फिर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर हमारी फ़ोटो, फिर हम जाएंगे टूल्स में, एडजस्ट में जाएंगे, फिर हल्के से ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। फिर इरेजर टूल पे जाएंगे फेस पे शाइनिंग के लिए, हल्की हल्की ओपेसिटी को थोड़ा कम, ओपेसिटी कम करके हल्के हल्के मार लेंगे शाइनिंग के लिए। फिर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम ड्रा टूल्स में जाएंगे, फिर इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेंगे। लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद पहले फ़ोटो को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऑल फोटोज़ में जाएंगे। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद फिर फ़ोटो को ओपन करेंगे, फिर हल्के सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, फिर ब्राइटनेस को हल्का सा कम करेंगे, हाईलाइट को भी कम करेंगे, शैडो को हल्का सा बढ़ाएंगे, फिर वाइटनेस को कम करेंगे, ब्लैक को भी कम करेंगे हल्का सा। फिर जाएंगे क्लैरिटी में। क्लैरिटी में जाने के बाद क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे और शार्पनिंग को भी हल्का सा बढ़ाएंगे, फिर नॉइज़ रिडक्शन को भी हल्का सा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद थोड़े से डाउन करेंगे नॉइज़ रिडक्शन को,
अब देखो हमारी पिक यार कितनी मस्त लग रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जमाने मत भूलिएगा, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए एंड फेसबुक पर भी पेज को लाइक कर दीजिए। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।